अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के कार्यकर्ताओं ने ग्राम नेमुतुल्ला मिट्टनपुर हकीमपुर में शमशान की भूमि पर दबंग द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने के विरोध में ग्राम के लोगों ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जिला अध्यक्ष सत्यपाल वाल्मीकि के नेतृत्व में ग्रामवासियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि गांव के और आसपास के कुछ दबंग लोगों ने वाल्मीकि समाज के बच्चों के शमशान घाट पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से परेशान होकर ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और दबंगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ओमपाल सिंह, विजय मुन्ना सिंह, आदेश रत्नाकर, अतुल वाल्मीकि, सुरेश, सतीश, सुनील, अंकित कश्यप, नितिन, अमित, गणेश वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। पहली बात तो मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम वाल्मीकि जिला अध्यक्ष वाल्मीकि महासभा और हमारे वाल्मीकि समाज जो हकीमपुर से हैं, ग्राम हकीमपुर नेमतुल्ला नगर और मिटनपुर तहसील कांट थाना मंझोला वहाँ पर थाना पागबड़ा, तो हकीमपुर के ही कुछ लोग जो दबंग टाइप के हैं वाल्मीकि समाज के बच्चों के कब्रिस्तानों पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और कभी हम एक बीघा जमीन उन्होंने अपने खेती के लिए मिला रखी है। तो हम शासन व प्रशासन से ये मांग करते हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की तरफ से कि उन हकीमपुर के वासियों को जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्हें इंसाफ दिया जाए, अन्यथा की दशा में अगर हमारे वाल्मीकि हकीमपुर के समाज के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम धरने के लिए बाध्य होंगे और ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसकी आपने कोई पूर्व में शिकायत की है? पूर्व में लगभग 10-12 बार शिकायतें कर चुके हैं ये लोग, SDM कांट को भी इन्होंने ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल। 27 दिसंबर को